बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमीदा, वेलकम टू माय चैनल हमीदाज ब्यूटी टिप्स पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेकर आई हूँ जो आपकी गर्दन की स्याही दूर कर देगी। आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। ये बाउल लेंगे, इस बाउल में ये नींबू का छिलका है, इसे हम काट के बारीक बारीक इसमें और एक कप पानी हम इसमें डालेंगे। अब इसके अंदर ये एक कप पानी मैंने डाल दिया, अब मैं इसे बॉईल करने रखूँगी। बॉईल करके मैं आपको दिखा, ये देखें ये नींबू के छिलके बॉईल हो रहे हैं। थोड़ी देर इसको पकाएंगे हम। एक कप मैंने पानी रखा था, कम से कम आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी रहना चाहिए, इतना हम इसे पकाएंगे ताकि नींबू का जो नींबू के फ़ायदे हैं फवाद हैं वो सारे इस पानी में आ जाएं। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और फिर आपको ठंडा करके दिखाती हूं। अब ये पानी ठंडा हो गया है, अब मैं इसे छान लूंगी। अब इसी पानी से मैं इसके अंदर बेसन घोलूंगी। गर्दन के लिए 2 टेबल स्पून मेरा ख़्याल है बहुत होंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून या 1/4 के करीब ये हल्दी डाल देंगे। हल्दी रंग फेयर करती है, इसको मिक्स करके अब इसके अंदर ये जो मैंने नींबू का पानी उबाल के और छान के रखा हुआ है इससे हम इसे इस पेस्ट को घोलेंगे। तो पेस्ट बनाएंगे, इसका इतना गाढ़ा पेस्ट बनाएं कि आप अपनी गर्दन पर लगाएं तो ये गिरे नहीं। इससे आप अपनी गर्दन का अच्छी तरह मसाज कीजिएगा। बिल्कुल ये इसे लगा के और थोड़ा सा इसे सूखने दें। जब ये सूख जाए तो उसके बाद हाथ से इस तरीके से गर्दन की आप अच्छी तरह मलाई कीजिएगा ताकि आपका जो गर्दन का रंग काला हो गया है आप उसे रगड़कर साफ़ कर लें। हल्दी कलर फेयर करती है और बेसन भी आपको पता है कितना फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। और उसमें ये नींबू के पानी से हमने घोला है तो नींबू भी इस तरह आप हाथ पे अपनी स्किन पे मल के गर्दन पे आप साफ़ कर लीजिए। जब आप रगड़ के साफ़ कर लें तो फिर इसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद जब आप ये पेस्ट लगा के अपनी गर्दन साफ़ कर लें, वॉश कर लें, तो फिर उसके बाद आप ऐसा कीजिएगा कि ये देखें ये तिब्बत क्रीम है, इसे आप लीजिएगा। ये इतनी मिकदार में और फिर इसमें डालिएगा ये अरके गुलाब के चंद कतरे, अरके गुलाब के चंद कतरे, और फिर इसको इस तरह से मिक्स करके आप ये अपनी गर्दन पे लगाइएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप ये रेगुलर करेंगी तो आपकी गर्दन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और यही चीज़ आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकती हैं जिनका कलर थोड़ा डार्क है या डार्क स्पॉट है उनके चेहरे पर, तो ये इंशाल्लाह सब चला जाएगा उनका। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचे, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो से आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।